सो ह्यूज गाइस, कैसे आप सब? मैं आपका भाई निकू और आप देख रहे हो निकू व्लॉग्स। तो गाइस फाइनली भाई मेरा ऊपर वाला फ्लोर तैयार हो गया है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। और गाइस न्यू ईयर पे गेमिंग सेटअप की शॉपिंग करने चलेंगे। वाओ, आप भी जाओगे जोजो शॉपिंग करने? चलेगा जोजो? नहीं, इसको तो खाना चाहिए बस। तो गाइस मम्मी अभी खाना बना रही है। मम्मी ने ना भाई यहाँ पे एडजस्ट कर रखा अपने सारे रसोई। और गाइस नए साल पे मम्मी की रसोई भी आ जाएगी। तो गाइस यहाँ पे भी पॉलिश हो गई है। अब यहाँ पे टीवी आ जाएगा फाइनली और PS5 लगा दूंगा। वाओ, मम्मी हाथ लगा के देख रही है। मिस्त्री ने बोली थी हाथ लगा के नहीं देखना, मैं भी देख लेता हूँ। फाइनली भाई मम्मी की रसोई ये रही, ये पूरी रेडी हो गई है, बस सफाई बाकी है यहाँ की। मस्त है, मस्त। ये देखो भाई ये क्या चीज है, यहाँ पे सारी सॉस की बोतलें आ जाएगी। ये देख लो गाइस, ये ना दुकान बन गई एक तरीके की। बहुत दिन हो गए भाई मम्मी ने नीचे वाली रसोई में खाना बनाती है। ऐसी कोई टेबल लगा रखा है, उसी पे गैस रख रखी है, सारा सामान ना भाई उसी पे फैला हुआ है। अब फाइनली रसोई भी रेडी हो गया है तो मम्मी इसमें खाना बनाने लगेगी। सारा बेड भी रेडी हो गया मेरे रूम का। अभी यहाँ पे गद्दा वगैरह आएगा, वो लगा के मैं यहाँ पे सोने लग जाऊंगा। तो गाइस ये देखो भाई ये रही मेरी शॉटगन। गाइस पापा ने मस्त चमका रखे है। तेरी साइकिल भी साफ करवा दी। साइकिल भी साफ करवा दी। और गाइस ये देखो भाई अपनी लैंड रोवर साइकिल, आज ये भी भाई पूरी साफ करवा रखी है पापा ने, पूरी चमका रखी है। गाइस कालू मोगली से बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। कालू मोगली चीकू, ओ भाई साहब, गाइस चीनू पढ़ाई कर रहा है भाई साहब। अगर इसी तरह पढ़ाई में ध्यान दे तो बहुत ही अच्छा होगा। और गाइस चीकी अभी खाना खा रही है। ये क्या कर रही है चीकी, ये क्या कर रही है? तो गाइस ये देखो भाई हमारी गैंग वाले भाई मिलने आए हमसे। इसका नाम बादल है, ड्यूक से मिलवाए। अभी इस पर ड्यूक अटैक कर दे भाई, ड्यूक ने इस पर अटैक कर देगा, तो इसलिए ड्यूक को नहीं मिलवाते, पैंथर को मिलवाते इसके साथ। ओ भाई गाइस पैंथर उसकी तरफ भौंक रहा है भाई साहब। ये देख लो गाइस कालू मोगली बीच में खड़ा होकर लड़ाई देख रहा है इनकी। पैंथर अभी छोटा है और कितना ज्यादा खतरनाक है, जो कुत्ते से बड़े है ना उनको भी नहीं छोड़ रहा। ये देख लो गाइस कितना बड़ा मुंह होगा इसका, शेर जैसी आवाज होगी इसकी। गाइस इसकी बाइट फोर्स ना भाई पिटबुल से भी 3 गुना ज्यादा होगी। क्या बात कर रहे बाबा, ये देख लो गाइस क्या कर रहा है लेट के यहाँ पे, क्या मस्ती आ रखी है इसको। इसके कितने मोटे हाथ है भाई साहब, ये देख लो गाइस मेरे पूरा हाथ में भी नहीं आ रहा इसका हाथ, कितना ज्यादा मोटा हाथ है इसका। इसका नाम हाथ से मोटी हड्डी है। ऐसे ऐसे चीनू टट्टी बहुत करता है, चीनू का नाम टट्टी रख देगी। इसका नाम टट्टी मैन। तो गाइस अभी ना भाई ड्रैगन को भी बाहर लेके आ रहे हैं। ड्रैगन, तो गाइस पैंथर और ड्रैगन को एक साथ पट्टे पे बांध दिया है। ये देखते भाई ये दोनों क्या करते हैं आपस में। ओ भाई चीनू के पीछे लग गए भाई साहब। तो गाइस ड्यूक भी आ गया भाई साहब, तीनों भाई एक साथ आ गए, ड्यूक पैंथर और ड्रैगन। ओ भाई दोनों को खींच के ले जा रहा तीनों आगे। गाइस तीनों को बांध दिया, तीनों एक ही डायरेक्शन में भाग गए। ये देख लो गाइस तीनों को एक साथ बांध दिया है, पैंथर ड्रैगन और ड्यूक को। ओ भाई और ड्यूक सबको खींच के ले जा रहे हैं। चीनू के पीछे पड़ गया। नहीं अभी ना भाई आपस में लड़ाई हो जाती है ड्यूक और पैंथर की, क्योंकि ड्यूक चीनू में भोग रहा था और पैंथर चीनू को बचा रहा था। ओ भाई साहब, कल मोगली पीछे उनके भाई साहब। अभी एकदम एक भाई घोड़ी ले आया अपनी, भाई दिल धक धक कर रहा है क्योंकि एकदम ना भाई तीनों को तो घोड़ी के ऊपर चिपट गए, घोड़ी ना भाई ड्यूक के ऊपर से गई है। पैंथर कैसे कूद गया था उसके ऊपर, अटैक कर दिया एकदम। ओ भाई साहब गाइस ड्यूक ने लिटरली घोड़ी को पाड़ लिया। ये भाई पता नहीं अचानक कहां से आ गए, इसको पता भी नहीं है, खतरनाक कुत्ते खोल रखे हैं, घोड़ी को पड़वा के चला गया अपनी। ये यहाँ पे ना किसी को आने भी नहीं देते। गाइस मेरे को तो भाई अजीब सा फील हो रहा है, घोड़ी को पाड़ लिया भाई बहुत गंदे वाला तीनों ने मिलके। गलती घोड़ी की भी नहीं थी और गलती कुत्तों की भी नहीं थी, क्योंकि गाइस ये ना भाई पिटबुल और केन कोर्सो है, मुझे लग रहा है वो ना जानबूझ के लेके आया है। जब वो आ रहा था ना देख रहा था मैं दूर से ही, उसको लग रहा था तीनों कुत्ते ना आपस में बंधे हुए हैं, तो मैं एकदम भगा के ले जाऊंगा घोड़ी को। अगर आशु तीनों कुत्तों को पकड़ता नहीं ना तो गाइस आज ना ये तीनों मिलकर पूरी घोड़ी को पाड़ लेते। सोचो कि ना इन कुत्तों के ना ऊपर से ले जाऊंगा और कुत्ते कुछ नहीं कहेंगे। गाइस आज उसको भी पता चल गया कि ड्यूक और पैंथर ड्रैगन कौन है। क्या हुआ चिकी, आप रो क्यों रहे हो? एकदम उसके ऊपर आ गया, ड्यूक के ऊपर पैर मार दिया, घोड़ी को पार लिया। घोड़ी को पार लिया, घोड़ी बहुत बच गई यार, उसी साइड से आया हूँ मैं, रो रहे थे वो दोनों बच्चे। आज एक चीज देखी, मतलब पैंथर ड्रैगन और ड्यूक ना आपस में ना टीम वर्क करते हैं, जब अटैक करते हैं चोट तरह लगी बस घोड़ी की चोट लगी है, पैंथर ने उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करी। पैंथर को पता था कि घोड़ी पैर रख देगी, पैंथर ना ऊपर से कूद रहा था घोड़ी के, खतरनाक है पैंथर। गाइस आज ना भाई चाचा की बाइक पे स्टंट मार के देखते हैं, मस्त प्लान चैलेंज करते हैं, मैं भी मारूंगा स्टंट। तो गाइस अभी आशु करके दिखाएगा। ओ पैर दब गया, ओ भाई पैर दब गया, ओए उठो उठो उठो, जूता भी निकल गया। गाइस ना भाई रोड नहीं है, अगर रोड होता ना तो बहुत अच्छी बाइक उठती, यहाँ में मिट्टी है तो बाइक फिसल रही है। पैर ठीक है, मिट्टी की वजह से गिर गया, मिट्टी की वजह से गिर गया। वो चीनू ने बाइक चला, वो
ओ भाई साहब कहाँ लगी बाइक? तू चला रहा था? किसने कही थी चलाने के लिए? अपने आप ही चलाया जा रहा है उसको। कोई ना, कभी करो, थोड़ा बर्दाश्त कर, ऐसे ऐसे बर्दाश्त कर थोड़ा सा। हाँ, किसने बोली थी करने के लिए? मेरे दिल ने लगी। चीनू को पता नहीं क्या चुल मची, अपने आप ही बाइक स्टार्ट करी और अपने आप ही गिरा दी। अपने आप को इतना बड़ा समझ रहा है कि मैं बाइक चला लूंगा स्प्लेंडर? ये मत करा कर, दर्द नहीं होएगा। मैं पार दूंगा आपको। मेरे को पार देगा? कुत्ता है तू, पार देगा? कुत्ता है तू, कुत्ता। गाइस ये तो भाई बाहर कालू मोगली आया गेट खोल के, अंदर लिया इसको, अंदर लिया। शर्माता ही अंदर नहीं आता, ये डर रहा है गाइस, पहली बार अंदर आया ना। तो गाइस कालू मोगली ना भाई देसी कुत्ता है, वैसे तो ये पतला सा है, इसके अंदर ना भाई हिम्मत बहुत ज्यादा है। कोई कितना भी बड़ा कुत्ता आ जाए इसके सामने, किसी को भी छोड़ता नहीं है, भगा देता है। इसका ना कॉन्फिडेंस देख के डर जाता है सामने वाले कुत्ते। तो कालू मोगली ले खाना खा ले। तो गाइस लाल कालू मोगली खाना खा रहा है। हमारे ना भाई सारे कुत्ते बहुत तगड़े तगड़े हैं, तो गाइस कालू मोगली ने भाई मस्त वाली मसल्स बनवा देते हैं। गाइस इसको ना भाई कुत्तों वाला प्रोटीन खिलाते हैं, बढ़िया वाला खिला खिला के इसकी मसल्स बनवा देते हैं। और गाइस ये देखते हैं देसी कुत्ता कितनी ज्यादा मसल्स बना सकता है। मस्त प्लान। ये देख लो गाइस चिनू रोने लग रहा है। गाइस चिनू ना भाई अभी रोने लग रहा है क्योंकि गाइस चाचा ने इसका बाहर का सारा खाना बंद कर दिया। नहीं खाना तो नहीं खाना। नहीं पापा, भैया ने वो खुद बोली थी भैया से। गाइस मैंने इसको बोली थी अगर पढ़ाई करेगा ना तो सब कुछ मिलेगा। एक दिन पढ़ने में क्या होता, कल रात को पढ़ लिया। गाइस कल रात को पढ़ा था थोड़ा बहुत, तो उसी में कह रहा है मेरे को आज फास्ट फूड खाना है। नहीं खाना तो नहीं खाना, ठीक है? तूने याद करके लिखा है? लन क्या है? कल का याद किया हुआ याद नहीं रहता। हैरिसन फोर्ड, जॉन क्या एंथन, कुछ भी तेरे को सही से याद नहीं है। गाइस चार पेज की है और जिसमें से दो पेज से टेप के लिखे हैं। ये पढ़ा नहीं है आज, तो मैं पढ़ूंगा भी नहीं, ठीक है? पढ़ता हूँ तो ये बोल देते हो पापा। मैं दिख रहा है, बता मेरे को क्या याद किया तुम्हें? क्या फायदा पढ़ने का, और ऐसे क्यों बोल रहा है मैं पढ़ूंगा भी नहीं? तो ऐसे बोल देते हो आप। तो एक चीज बता, पढ़ा है? जोकर ने शक्ल बना ली, तेरे को तो हॉस्टल में भेजेंगे। ढंग से नहीं पढ़ा ना, ये पढ़ाई का क्या फायदा? जो तुमको जो पढ़ा था वो याद ही नहीं, तो अपना भी टाइम वेस्ट कर रहा है तुम्हें फालतू में। या तू बैठ बैठ के दिखा रहा है मैं इतनी देर पढ़ा, मैं डेढ़ घंटा पढ़ा। सारा रन करके लिख रहा था। सारा रन करके लिखा है तूने? रटनी नहीं चाहिए भाई, याद करनी चाहिए। द लायन किंग, टाइगर तो उसमें है भी नहीं कहीं। बोल बोल, जवाब ही नहीं दे पा रहा। गाइस ये ना भाई ढंग से पढ़ा नहीं है, थोड़ा बहुत पढ़ा है, थोड़ी बहुत कोशिश की है इसने। मैं जा रहा हूँ खाने, नेक्स्ट टाइम पढ़ाई करेगा ना तब चलियो। मान जा, बुढ़का क्यों भर रहा है? पहले ही आके बैठ गया, ये सोच रहा है मैं इसको लेके जाऊंगा। मान जा चीनू यार, नहीं। गाइस ये देखो भाई अपने आप ही आ गया, नेक्स्ट टाइम लेके नहीं जाऊंगा अगर पढ़ाई नहीं की तो, ठीक है? गाइस बाहर भाई ठंड बहुत ज्यादा हो रही है, तो अपनी स्कॉर्पियो एन लेके चलते हैं। चल कुछ खाने चलते हैं। जिद करके आया हूं, तो मना हो गया था मेरा। कह रहा मैं जिद करके आया हूं, मेरा तो मना हो गया था। क्या खाएगा बता सबसे पहले? मोमोज। तो गाइस अभी सबसे पहले खा रहे हैं मोमोज। चीनू तो लग भी गया, वेट भी नहीं कर रहा हमारा, सारी चटनी वटनी गिरा दी पैंट पे, खाना भी नहीं आता इसको। तो गाइस अभी चीनू ने एक और चीज मंगाई है, पहले मोमोज और अब ये। तो गाइस अभी फिलहाल आइसक्रीम खा रहे हैं, बहुत मना करी पर मान ही नहीं रहा। मतलब गाड़ी तो मस्त गर्म करवा रखी हीटर से, उसके ऊपर से आइसक्रीम खा रहा है। चे बाय भैया, गुड नाइट। बाय चिनू। बाय दीदी। जो जो गाइस चाचा तो पियानो बजाने की कोशिश कर रहे हैं, आता है आपको? मम्मी खाना ले आई है, आज खाने में आलू गाजर मटर की सब्जी, लस्सी और रोटी। और गाइस सुबह शाम ना मतलब मम्मी ना लगी रहती है साफ सफाई में, काम वगैरह में। मम्मी कहीं घूमने भी चले जाया करो आप। मम्मी कहीं भी नहीं घूमती, पापा कहीं भी लेके नहीं जाते मम्मी को। नहीं मुझे शौक नहीं है बेटा, मतलब बहुत कम लेके जाते हैं ना। पापा को भी शौक नहीं है घूमने का, तो मम्मी ऐसे घर में ही रहते, खाना वाना बनाती है, काम वाम करते और अपना टीवी वगैरह देख के सो जाती है। गाइस एक काम करते हैं, मतलब मम्मी को ना सरप्राइज देते हैं, मम्मी को ना कहीं घुमा के लाते हैं दूसरे देश में। पासपोर्ट भी नहीं बनवा रखा मम्मी ने, यहीं घूम लूंगी इंडिया में। मम्मी के अंदर ना शौक डाल देंगे घुमाने का। सभी घूम लेते हैं, सभी चाचा चाची वगैरह, मैं रिया। पापा का तो सच में मन नहीं करता क्योंकि पापा का अपने ना काम में बाहर मन लग जाता है। मम्मी को कोई नहीं पूछता, मम्मी कहीं घूमती भी नहीं है। चाचा बताओ मम्मी को अगर किसी देश में घुमाने ले जाऊं तो कहां घुमाने ले जाऊं? दुबई। दुबई, कनाडा, कनाडा। महाराष्ट्र गई हूं मैं, बॉम्बे गई हूं, घूम के नहीं। महाराष्ट्र बॉम्बे कब गए थे? बचपन में गई थी, कवारी थी जब। बचपन में गए थे और इतने साल पहले गई तो थी, और इतने साल पहले। अच्छा कहीं भी मौका मिले किस देश में जाओगे? इंडिया में जाना ही पसंद करूंगी, बाहर देश मुझे पसंद नहीं है। गाइस तुम कमेंट करके बताना कि भाई अगर मम्मी को बाहर देश में कहीं घुमाने ले जाए तो कहां घुमाना चाहिए। कोरिया? नहीं कोरिया मम्मी को पसंद नहीं आएगा, चाइनीज लोग रहते हैं। मानी और गाइस आज है भाई 21 दिसंबर, अपनी गैंग का गोल्डन प्ले बटन कभी भी आ सकता है। आज की उम्मीद थी कि आज आ जाएगा, उसका ना भाई मेरे से बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा। आज मेरे पूरे दिन यही दिमाग में चल रहा था कि जल्दी से गोल्डन प्ले बटन आ जाए। बाकी गाइस अभी 11 बजने वाले हैं और अभी मैं खाऊंगा खाना, उसके बाद मैं करूंगा एडिटिंग और वीडियो में एंड करते हैं, यही था आज की वीडियो में। सो थैंक यू सो मच गाइस वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, तुम्हारे भाई का चैनल है निक्कू का। सो थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।